शिट, बंद है घर, कोई नहीं है घर पे। डोंट वरी, चाबी यहीं पर होगी। नमन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें लगता है कि कोई ऐसे अपने घर पे चाबी छोड़ के जाता है? तुम अपने मुंह बंद करने का क्या लोगी? कर क्या रहे हो तुम? नहीं होती ऐसे चाबी किसी के घर पे यार। पता नहीं कहाँ फंस गए तुम्हारे चक्कर में यार, मेरे जूते गीले हैं, ठंड लग रही है मुझे। वाह, लॉटरी लग गई ठंड में हमारी। ये घर नहीं मिलता तो मर ही जाते आज। थैंक गॉड जिसने भी ये घर बनाया यहाँ पे। मैम, व्हाट शुड आई कॉल हर यार? शी इज टू यंग। यू कैन कॉल मी सावी। सॉरी मैम। सावी? या सावी जी, सॉरी। आई नॉक द डोर 2-3 टाइम्स बट यू डिडंट ओपन। तो मैंने लगा सो रहे होंगे। फ्रेश होना है? जी। होलो, पीछे ही है वॉशरूम, सादा है मगर। जी, इट्स ओके। इट्स ओके, थैंक यू। पहाड़ों में तो मीठी चाय चले है। लो, लो। नाम क्या है तुम दोनों का? जी मैं नमन। रोशनी। कहाँ भटक रहे हो इन पहाड़ों में? एक्चुअली मैम, सॉरी, सावी जी। सावी, ज़्यादा बड़ी ना हो मैं थारे से। ऑब्वियसली। एक्चुअली हम लोग कैंपिंग के लिए आए थे, वी वर 15 पीपल। तो नमन ने कहा थोड़ा और आगे चलते हैं, इसे बर्ड वॉचिंग का शौक है ना, और पहाड़ भी बहुत पसंद है। हम लोग नेचर में इतना खो गए पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया, और हम लोग रास्ता भटक गए। फिर आपका घर दिखा और हम लोग। ओ कोई नहीं, आप पढ़ाई घर समझो। सो स्वीट ऑफ यू सावी। ये सेब के बाग आपके हैं क्या? हाँ, मारे और मारे भंवर के। भंवर? अरे मारा पति। ओ यस। आपसे एक बात पूछूं? आप अदरवाइज तो नहीं लेंगी? पूछ। आप पहाड़ी तो नहीं लगती, आई मीन जैसे आपकी लैंग्वेज है। पहाड़ी पैदा होने से नहीं होता, पहाड़ी हो जाने से होता है। आजकल तो कई पहाड़ी हैं जो पहाड़ छोड़ के शहरों में बस गए हैं। असली पहाड़ी तो हम हैं जो इन पहाड़ों में रहते हैं, बर्फ के बीच, है कि नहीं? तो फिर आप इन पहाड़ों में कैसे? बड़ी लंबी कहानी है छोरी, किसी दिन सुनाऊंगी। सावी, मुझे आपकी पूरी कहानी सुननी है। ए, मैं कहीं की फिल्म स्टार हूँ। हाँ, चल। सावी, बताइए ना अपनी स्टोरी के बारे में। एक्चुअली आई एम अ कॉलमिस्ट, मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, एंड योर स्टोरी सीम्स रियली इंटरेस्टिंग टू मी। हाँ बताती हूँ। मारा नाम सावी मल्होत्रा है, सूरत के टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट की इकलौती बेटी। मैंने कभी सोचा ना था कि मैं इन पहाड़ों पे आके बस जाऊंगी और ये पहाड़ मारे को अपना लेंगे हमेशा। लाइफ ना जी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, ऐसा सुना ही था। कभी कभी जो हम सोचते हैं ना, वैसा कुछ होता नहीं है हमारी जिंदगी में। अब मुझे ही देख लो, यहाँ इन पहाड़ों पे इस बर्फ के बीच मैं कभी नहीं हो सकती थी जी, जहाँ वो अजनबी मने ले आया था। पर अनजान थी जी इस बात से कि मारे साथ जो अजनबी चल रहा था, अजनबी नहीं था जी, वो था मारी जिंदगी, मारा भंवर, जो मारे को यहाँ इस पहाड़ तक ले आया था, सुमेरे तक।
सावी, ये तुम कौन सी बैकवर्ड जगह ले आई यार? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई फाइव स्टार होटल भी होगा। अगर तुम्हें माउंटेन में घूमने का इतना ही शौक था तो हम लोग कुल्लू मनाली भी तो जा सकते थे, वहाँ पे फाइव स्टार होटल भी है। सी द नेचर बेबी। नेचर क्या करेंगे यार, वी शुड हैव अ बेटर प्लेस टू स्टे। ओके लेट मी चेक। हेलो, आप किधर जा रही हो? फाइव स्टार होटल देखने बेबी। आई गूगल्ड इट, यहाँ कोई फाइव स्टार होटल नहीं है। यू ट्रस्ट मी ना बेबी? या तो यू लव मी? या आई लव यू 1, 2, 3, 4, 100। आई लव यू 1,000, 10,000 crore, 10 crore, इन्फिनिटी। आई वन, मैं जीत गया। Yeah. Just wait for 5 minutes, baby. I'm coming. मैडम जी, ओ मैडम जी, वो आपके हस्बैंड ढूंढ रहे थे आपको, बोल रहे थे आप फाइव स्टार होटल देखने गए थे। वो गोल गोल चश्मे वाले आपके हस्बैंड है ना? होने वाले। सुनो। जी जी मैडम जी। तुम यहाँ लोकल हर्षिल से हो? जी मैडम, यहीं कहूँ मैं। तुम्हें पता है ना यहाँ पे कोई फाइव स्टार होटल नहीं है? नहीं मैडम जी। तो फिर मैं कहाँ से पैदा करूँ फाइव स्टार होटल, है कि नहीं? हाँ वो तो है। फिर ये बात उस खोते को कौन समझाएगा? अच्छा मैडम जी। सुनो। जी मैडम जी। वहां जाने का कोई रास्ता होगा? हाँ रास्ता है मैडम जी, पर यह पतली पतली पगडंडी है, कभी गायब हो जाती है कभी मिल जाती है, पर अकेले नहीं जा पाओगे आप वहाँ पे, आपको किसी के साथ जाना पड़ेगा। इधर आ। जी मैडम। जी मैंने कहा कि मैं वहाँ जाऊंगी। कहा मैंने? नहीं, आपने बोला कि वहाँ जाने का कोई रास्ता होगा। तुम कितने सीधे लोग हो बे, तुम्हें पता है वहाँ शहर में कितने कमीने लोग हैं? जी नहीं। नाम क्या है तेरा? वो हवा सिंह। है क्या नाम है? हवा सिंह। अच्छा एक बात बता, ये हवा कहाँ से आ रही है? इधर इधर से मैं तू। और किधर जा रही है? उधर उधर। मारे मंगेतर के साथ आई थी जी मैं यहाँ। मारी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की थी मैंने हर्षिल में। मारे पूरे 3 साल के रिलेशनशिप में मैंने पूरी कोशिशें की कि मारा मंगेतर रोमी खुश रहे मारे से, पर मने के मालूम था कि वो रिश्ता नहीं बल्कि उसके और मारी बाप के बिजनेस डील थी। मारी शादी जानती थी मैं इस बात को, पर कभी कुछ बोल ली नहीं। पर के है ना, बांध की भी सीमा हो गए पानी को रोकने की, और पानी जब बांध के ऊपर छलकने लगे है ना जी, तो बांध टूट ही जाता है। मारा भी टूट गया। रोमी को उसी 10x8 के कमरे में छोड़ के निकल लीजिए मैं।
होता है जी, ऐसा होता है। तब ना रास्ता दिखे है, ना इंसान दिखे है, ना जिंदगी दिखे है। पर मणि दिखी, मणि दिखी मारी जिंदगी, मारे सामने जाती हुई, और मैंने आवाज लगा दी मारी जिंदगी को। ओ हेलो भाई साहब, ओ हेलो भाई साहब। डर लगता है ना तो गाना गा लेना चाहिए। चुड़ैल लग गए और पहाड़ों में तो वैसे भी आचरिया कम है। अरे ये तो सचमुच की बहुत थोड़ी है। किताबों में पढ़ा था भूतनी के बारे में। छुट्टूंगा तो नहीं मैं सने मजरे मुली, मेरी रक्षा करियो। भाड़ में गए तेरा सॉरी। इतनी जोर से मार दी ठंड में, हाथ टूट गया मारा। तुम्हारा कोई हाथ पाथ नहीं टूटा है समझे क्या? ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ठंड देख रही है मरिया पे चुड़ैल कहीं की। ओ हेलो, मैं क्या करूंगी जंगल में अकेले? हाँ कहाँ जाऊंगी मैं? थरी मर्जी है, जा जाना वाजा। मर गया हल्के पड़ रही। तुम कितने बदतमीज आदमी हो यार, एक लड़की को तुम अकेले जंगल में छोड़कर जा रहे हो। हाँ ओ मैडम जी, मैंने कही थी के जंगल में आने को। मुझे डर लग रहा था इसलिए ऊपर भाग के आई। लेपर्ड था वहाँ पे, लड़ लेती लेपर्ड से। इतनी एहसानदारी दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। निकल यहाँ से दो कौड़ी के आदमी। रे हम तो निकल ही रहे। मैं भी निकल जाऊंगी। ये जंगल में खाएंगे शेर भालू खाएंगे थारे को। क्या नाम था? शिट यार, नाम ही पूछ लेती क्या। अरे भाई साहब, हेलो भाई साहब। रे
थैंक गॉड। तो फिर आ ली? हैं? अरे क्या कर रही? इट वाज नाइस मीटिंग यू मिस्टर। अरे छोड़ मैंने। यू सेव्ड मी। अरे हट परे। यू सेव्ड मी। क्या कर रही है? देखो, मैं एक अबला नारी हूँ। रात को इस जंगल में भटक गई हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं यहाँ पे। तुम खुद बताओ, कोई बेचारी लड़की इस जंगल में अकेले रात भर क्या करेगी? प्लीज मुझे सुबह होने तक अपने साथ रख लो, प्लीज प्लीज। मतलब तू कसम खा के निकली थी अपने घर से कि रात को मारे को लौंडा मिलेगा उसकी तो रात काली कर देगी, है ना? उसे डंडे से मारूंगी, उसे गाड़ी बखूंगी, और क्या कहा था तूने, दो गाड़ी का आदमी है ना, उसे भूतड़ी बनकर डराऊंगी। नहीं देखो, ये सब मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अच्छा प्लीज रख लो ना, मुझे सिर्फ आज रात की बात है। चल ठीक है, गिड़गड़ा मतलब जद्दा, ये एहसान कर दूंगा मैं थारे ऊपर। बिग थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम यहीं रुकने वाले या आगे जाने वाले हैं? मैंने लग गए तो छोरी डिस्टर्ब्ड है, थारे दिमाग का एक स्क्रू ढीला लग गया मैंने। हाँ चल कोई नहीं, कल सुबह तक की बात है, रात तो तूने मारी काली करी दी है ना। चल अब पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने जो तू मारे गैल पड़ गई। एक्चुअली ना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको परेशान करने का, मतलब आई डोंट नो मैं इस फॉरेस्ट पे कैसे आ गई। एक्चुअली मैंने कभी फॉरेस्ट देखे नहीं है ना, और यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स कितने डेंजरस होते हैं। आई मीन मैं बहुत डर गई थी, और मैं तो कभी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ना। बाय द वे मैं तो बहुत थक गई हूँ, आप नहीं थके क्या? काफी अच्छा स्टैमिना है वैसे आपका। ए, तो बड़ा मुंह बंद करना खेलेगी। सॉरी आई डिडंट गेट आपने क्या कहा। बकवास सुनने नहीं आया मैं यहाँ पे, बकवास ना करे ज्यादा। यस यस अभी तो रात काटने के लिए उठड़ा भी दिखना है अपने को, आवाज ना निकले अब। हाय गुड मॉर्निंग, देखो मैंने खुद से आग भी जला दी और मैगी भी बना दी। रे छोरी, मारे बैग को तूने हाथ कैसे लगाया? ऐसा है, भूख लगी थी मुझे, सुबह सुबह ना नाश्ता करने की आदत है। थारी भूख का मैं क्या करूं? एहसान कर रही हूँ मैं तुझ पे, आज तक कभी बनाया नहीं है खाना, इनफैक्ट खुद के लिए भी नहीं, जस्ट इमेजिन। वाह जी वाह वाह वाह, कल तक तो बड़ी गिग्गी मिलने बड़े बैठी थी तू, ये बता तूने मारे बैग को हाथ कैसे लगाया? तैयारी से निकले हो पूरी, मतलब हाँ। ए छोरी सुन मारी बात, मारा सामान जैसे निकालना था वैसे अंदर रख पूरा, समझी? खुद रख ले। कहाँ फंस गया? ए मैडम बियर्ड आई हो, मैंने निकलना है। देखो मैगी बन चुकी है, इसीलिए बैठ के चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर लो, लो खा लो। कैसी बनी है मैगी? बोलो बोलो शर्माओ मत। आई नो कि बहुत अच्छी बनी है। निकलना है फिर? मैं निकलूंगा और तू जाएगी वहां जहां से तू आई है, और अगर तुझे नीचे जाना है और तू चाहती है कि मैं तुझे अधे रास्ते छोड़ दूं तो ये आखिरी एहसान भी कर दूंगा मैं थारे ऊपर। एहसान मत दिखाना तू मुझे, खुद जा सकती हूँ मैं, एहसान नहीं दिखाएगा तू मुझे, समझा? तो निकल फिर, चल तू निकल। रे हम तो जा ही रहे। अबे चल निकल। रे मारी बला से।
गलत है यो। वो छोरी को ऐसे घने जंगल में अकेले छोड़ना गलत है यो। रे गलत काम हो गया यो तो, ऐसा ना छोड़ सके छोरी को। रे गलत काम हो गया ये तो। अरे छोरी कहाँ गायब हो गई? अकेले जाने की हिम्मत तो ना है इसकी। इसी दिन के लिए पैदा किया था तुमने मुझे मॉम? हाँ, कि एक दिन मैं अकेली रह जाऊं। क्यों गई तुम मुझे छोड़ के? हाँ बोलो ना मॉम, मैं अब वापस नहीं जाना चाहती। हाँ मैं छोड़ के आ गई उसे, उन सबको छोड़ के आ गई। मेरा दम घुटता था उन लोगों के बीच में। मैं जानती हूँ लोग मुझे ही गलत समझेंगे, बट आई डोंट केयर। आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। पर मुझे पता है मॉम कि तुम मुझे समझ सकती हो, अपनी बेटी को, क्योंकि मॉम तुमने मुझे पैदा किया है। मेरी जिंदगी में जो लोग हैं, अब मैं उनसे दूर आ चुकी हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। सुना तुमने, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं मर जाना चाहती हूँ। मॉम मेरी ये विश पूरी कर दो, प्लीज प्लीज मॉम। गया नहीं तू? थारा इरादा मैंने लग नहीं रहा था जाने का। तो हमारे दिल ने कहा कि अब छोरी जाना चाहती ही नहीं है, तो हम कौन होते हैं भगाने वाले। हाँ अच्छा, इरादा क्या है तेरा? वही जो तूने कहा अभी, वापस ना जाने का। पर थारा इरादा क्या है? यही जो थारा इरादा है, वापस ना जाने का। हमारा इरादा क्यों नहीं है जाने का, ये तो तूने सुन ली। पर मन ने थारा इरादा समझना आ रहा कि तू वापस क्यों नहीं जाना चाहता। मारा इरादा और मारे इरादे की कहानी बड़ी लंबी है, किसी दिन फुर्सत से सुनाऊंगा। हैं? फाइनल बता, करना क्या है? पता नहीं, जब तक यहाँ है यहीं रहते हैं या कहीं आगे चलते हैं। आगे जाना है या पीछे जाना है ये तो बात की बात है, पर तू हमारे सामने ऐसे भूतनी बन के घूमेगी ना तो बड़ी दिक्कत है। तूने मुझे रोका क्यों नहीं? तू रुकना चाहती नहीं थी। ये जगह कौन सी है और अभी हम कहाँ हैं? जगह कौन सी तो पता नहीं, नेटवर्क भी नहीं आ रहे। अच्छा ये। अच्छा सुन, मैं तुझे ज्यादा हैम्पर वैम्पर तो नहीं कर रही ना? ओ नाना, कोई हैम्पर वैम्पर नहीं कर रही। सुन, तेरा नाम क्या है? सावी। और तेरा? मेरा नाम है भंवर प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप बनते बनते रह गया तू। ओ महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज हैं। अच्छा, तो वंशज है जी हम उनके, दिलेर बहादुर और कमाल के लड़ाके, समझी क्या? तभी आ गया तू इन पहाड़ों में भाग के भंवर प्रताप सिंह। क्यों भाग के आया ना तू? भाग के नहीं आया जी। वापस चले गया भंवर प्रताप सिंह। वापस जाने के लिए नहीं आया, जाऊंगा मगर अभी नहीं, कुछ कदम और चलना चाहता हूँ। मगर तू चली जा सावी, हमारी तो वजह है यहाँ पे रुकने की, पर तू जा ही सकती है। क्या वजह है? है वजह। पर क्या वजह है?
और है वजह बस। क्या? नहीं बतानी। मुझे नहीं बताएगा तू? क्यों भंवर प्रताप सिंह, तुझे तो जंग के मैदान में होना चाहिए था। तू इन जंगलों में गौतम बुद्ध बनने क्यों आ गया? मेरी माँ को कैंसर है जी, कई कीमो कराए पर लास्ट में डॉक्टर ने बोली दिया कि मेरी माँ 15-16 दिन की मेहमान है। मेरी माँ को मैं मरते भी नहीं देख सकता थी जी मैं। बाकी एक बहन है हमारी, डिवोर्स ले रही है अपने पति से। जानता हूँ जी, गलती मेरी बहन की है। खाना नहीं है जी उसे, लौंडा बढ़िया था वो। और मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, वहाँ भी वही खास इज्जत नहीं थी मारी, कतई गुलाम बना रखा था साड़ों ने। मनु छुटकिया जी उसके बाद मारा, मैंने खल पड़ा उसके बाद। और गर्लफ्रेंड ने कब छोड़ा तुझे तेरी? अरे किस जालिम की याद दिला दी। क्यों जालिम क्यों बोल रहा है तू उसे? तारीख क्या है आज? आई गेस 14। मेहंदी है जी उसकी आज, मूड खराब हो गया। शाम होते होते हमें ये जंगल पार करना होगा। बड़े जंगली जानवर हो जंगल में, समझी? अरे जल्दी जल्दी पैर चला। चलती रहे चलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? शाम होते होते जंगल पार करना है। अरे भंवर वेट यार, कहाँ जा रहे हो? अरे बोलती रहे बोलेगी नहीं तो कैसे मालूम चलेगा कि तू जिंदा भी है कि मर गई? भंवर इसलिए बोलना जरूरी है। जंगली जानवर आएंगे मम्मा। मम्मा भंवर, तेरी आवाज आएगी तो मालूम चलेगा जिंदा है, आवाज बंद रहेगी तो। सावी रे, सावी मेरा पैर मुड़ गया। ओ हेलो, क्या कर रहे हो तुम? आओ। थर जीने का सारा है यो, रे पकड़ ले। चलिए
देख सुन, जितनी माँ होती है थारे पैर भी दबाती, थारे पैर में गर्म पट्टी भी लगाती, पर थारी माँ तो है नहीं। और जो तेरा कोई नौकर होता है यहाँ पे, कोई थारे को पीठ बैठा के ले आता, पर नौ देख ये बात ना होती। नहीं अरे ये बात ना होती यार। सतरंगी सपनों से अनबूझी पहेली तू, बादलों से उड़ती उड़ती लहकती फूलों की टली तू। अतरंगी सतरंगी सपनों से अनबूझी पहेली तू, बादलों से उड़ती उड़ती लहकती फूलों की डली तू। कच्ची नींदों के सच्चे सपने के जैसी तू, अनजानी रहूं मैं अपने से ही। तितली के चटकीले रंगों से रंगी फूलों से महकती तू। इतराती कैसी पहेली है तू, भीगी भीगी मिट्टी की सौंधी महक है तू। सरसराती फर फराती ठंडी हवा से खिलती हुई धूप तू। गाते गाते झट से जो याद हो जाए पाचर की पोयम तू। हे अतरंगी सतरंगी सपनों से अनबूझी पहेली तू, बादलों से उड़ती उड़ती लहकती फूलों की डली तू। रेनबो में वैसे तो सात कलर है, मेरे लिए आठवां है तू। हिचकियों का सिलसिला भी थम सा गया है पास जब से आ गई है तू। मेरे मन को उलझाती इतराती कैसी पहेली है तू, भीगी भीगी मिट्टी की सौंधी महक है तू। चमचमाती खनखनाती आंखें है तेरी, खुशियों की बहार है तू। बर्फीली हवा के संग सरगम जो गूंजे सारे गम बधाने है तू। हो मेरा बाप माउंटेनियर था, पहाड़ों से बड़ा प्यार था जी मेरे बाप को। शिद्दत बड़ी चीज होती है जी, थारे अंदर भी है, और जिसके अंदर होती है ना उसे कोई रोक ना सके है। हमारे बाप को भी कोई रोक ना सका, हमारी माँ भी नहीं, हमारे बाप को इन पहाड़ों में चढ़ने से। हर साल हमारा बाप हमारे को इन पहाड़ों पे चढ़ाया करता था, सबसे लड़ झगड़ के। वो चाहता था जी कि उसके पैशन को मैं अपना पैशन बनाऊं, उसके जीते जी में समझ नहीं पाया इस बात को।
मरने के बाद समझ में आया जब मेरे हाथ से सब निकल गया, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा परिवार, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी नौकरी और मेरा बाप। लोगों के रगों में तो लोगों के बाप का खून बहवे है सावी, पर मारे रगों में मारे बाप का जुनून बहवे है। लोग कहते हैं ना, माँ तुझे माई होती है, तो बाप क्या होता है? बाप भी तो बाप ही होता है, पर उसके लिए नहीं कहता मैं ऐसा कुछ। बड़े बड़े माउंटेन समिट किए थे जी मेरे बाप ने, पर न जाने क्यों जिंदगी भर ना मेरी माँ को इसी बात की शिकायत रही कि मेरा बाप मेरी माँ की बात को मानता ही नहीं था। वो बार बार मना करती थी मेरे बाप को इन पहाड़ों में चढ़ने से, और मेरा बाप फिर से इन पहाड़ों पे आ जाया करता था। और जब आखिरी बार मेरा बाप घर से निकला ना, तो मेरी माँ ने कहा, ये बेके तू गया तो लौट के नहीं हो। शायद मारी माँ की बात मेरे बाप ने सीरियसली ले ली। पैसे कभी कभी भेजता था मेरा बाप, क्योंकि जी बाप तो होता है पैसे कमाने की मशीन, और जो मशीन वो काम ना करे तो फिर होता है वो परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। मेरी माँ, मेरा परिवार, सबने मेरे बाप को दुश्मन ही माना जिंदगी भर। हमारा बाप तब के मर गया इन पहाड़ों में, कोई खोजने नहीं है हमारे बाप को। और जब हमारी जिंदगी सब खराब हो गई ना जी, तो मुझे हमारा बाप याद आया, और ये भी याद आया कि एक बिट्टा होने के नाते मुखाग्नि नहीं दी मेरे बाप को मैंने। बस जी हमारा मकसद बन गया यो कि मरने से पहले मेरे बाप को खोज निकाल लूंगा। तू खोजेगी मेरे बाप को मेरे साथ? खोजेगी ना मेरे बाप को? मारा मकसद तो कुछ था नहीं जिंदगी में, तो उसके मकसद को ही अपना मकसद बना लिया था मैंने। मैं बस उसके साथ बहती चली गई बिना कुछ सोचे। जहाँ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ थे, बर्फ थी, वो था और मैं थी। वो मारे को मारी उस मैकेनिकल जिंदगी से दूर लेके जा रहा था। मणे बिल्कुल नहीं जानना था कहाँ ले जा रहा वो मणे। मारे को बस उस शहरी दुनिया से, मारे घर वालों से, इन सब से दूर जाना था। मारी जिंदगी में तो सुकून बन के आया था वो, मारा भवर। तूने इससे पहले कभी बर्फ देखी थी? हाँ, पर उसकी ठंडक पहली बार महसूस कर रही हूँ। तो आगे अपनी जिंदगी में पहाड़ों में कभी वापस लौटना चाहेगी? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ से वापस लौटना ही नहीं चाहती हूँ, यहीं रहना चाहती हूँ। पता है जब सोचते हैं ना, जिंदगी वैसे चलती नहीं है, बहुत फर्क होता है सभी करने में और हो जाने में। मत सोचा कर ऐसा, हो जाने दे जो हो रहा है। अच्छा सुन, तुझसे कुछ मांगू तो देगा? रे बोल के तो देख। वो पहाड़ देख रहा है तू, सबसे ऊंचा? हाँ। क्या हम वहां जा सकते हैं? चल फिर। चल। रखे हो गया? तेरा ऐसा एटीट्यूड अपनी लाइफ को लेकर क्यों नहीं है? हमें उस पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। और देख, तूने एक सेकंड भी नहीं लगाया हाँ बोलने में।
लाइफ का मतलब सिर्फ कुछ पाना नहीं है, कुछ पाने की इच्छा रखना भी है। यू नो व्हाट आई मीन। थोड़ा मोटिवेट करने का तरीका अच्छा था, पर सावी एक पहाड़ पे चढ़ना और जिंदगी से लड़ना दोनों अलग बातें हैं। यार तेरा प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं तेरी प्रॉब्लम हूँ? ओह, तो मैं हूँ तेरी प्रॉब्लम। हाँ सही बोल रही। ओके फाइन, जा। तेरी लाइफ से इस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। कर दे कर दे। मरी बला से। हाँ, मैं हूँ तेरी लाइफ में एक और प्रॉब्लम, पर तुझे इस प्रॉब्लम को कुछ दिन और झेलना होगा। मैंने कही कि तुम्हारी प्रॉब्लम है। नहीं। किसने कही? मैंने। कि तुम्हारी प्रॉब्लम है? है प्रॉब्लम? नहीं। फिर? नहीं समझ आया। रे बावड़ी पूछ। मुझे नहीं पता तू कौन है, क्या है, या कब तक हम साथ रहेंगे, पर ये बर्फ, ये पहाड़, ये पेड़ और तू, मुझे ये सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। ए, कहीं थारे को हमारे से प्यार तो नहीं हो रहा? क्या पता, यू नेवर नो, हो भी सकता है। और अगर हो भी गया तो कभी बोलूंगी नहीं। बस एक बात याद रखना कि मैं कभी एक प्रॉब्लम से मिला था। ओए, अब आएगा या रात यहीं बितानी है इस बर्फ में? चल। ओह, तो ये है जन्नत जाने का रास्ता। अरे आजा आजा, तेरे लिए भी खुला है। ए? हाँ, जन्नत जाने का रास्ता ना है यो। तो फिर किसी के घर जाने का रास्ता है। अरे कोई ना कोई रहता होगा यहाँ पे। अरे बावड़ी अंधेरा भी होने वाला है और ठंड के मारे हमारी कुल्फी जम रही। वाह, ठंड में कुल्फी खाने का मजा ही कुछ और है। तुमने खाई है कभी? हाँ, अरे तने खानी है। मिलती है क्या यहाँ पे? अरे हम पैदा करेंगे कुल्फी, खानी की नहीं खानी? हाँ कुल्फी कुल्फी है, ये ले। अरे और खाएगी? ले खा ले कुल्फी। भवन। हाँ? मेरे पैर अब बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है। अरे आगे आगे, बस आगे। नजर कुछ ना आ रहा। भाई साहब। अरे भाई साहब। भाई साहब। अरे कोई है के अंदर? हाँ? भवन, कोई फायदा नहीं है, वो देखो ताला लगा है। अरे ये तो और बढ़िया बात हो गई, मालिक तो है नहीं घर में। क्या ढूंढ रहे हो तुम? रे पहाड़ी लोगों का घर है यो, उनकी एक खासियत होती है चाबी अपने साथ ना लेके जाते। चाबी ढूंढ रहा हूँ, यहीं कहीं होगी। रे मिल गई चाबी। रे आजा आजा। भावर, हम ऐसे ही किसी के घर पे, आई मीन हाउ, अगर कोई आ गया सडनली तो वो तो यही समझेंगे ना कि हम चोर हैं। रे बावड़ी, यो किसी पहाड़ी का घर है, चोर समझने से पहले वो आदमी का मेहमान समझे। हाँ ये दिखा लालटेन।
ठहर दो मिनट जरा। रे बावड़ी आजा, बता कैसा है कमरा? ओके भवन, कपड़े चेंज करने हैं यार, बहुत स्मेल आ रही है। रे कहाँ स्मेल आ रही? अरे मैं तेरी नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। रे एक्चुअली यू नो वी गर्ल्स नीड टू चेंज। अंदर आ सकते हो। ढंटर है, देखो लग रही हूं ना मैं एकदम पहाड़ी। हेलो भंवर प्रताप सिंह, मैं पहाड़ी लग रही हूं ना? ये देखो मैंने पूरा बिस्तर भी सेट कर दिया है, आ जाओ। नहीं वो मैं, अरे मैं इतने बड़े बेड पे अकेले थोड़ी सोऊंगी यार। यार जल्दी आ यार। पहले तुम आर्मी में थे क्या? नहीं तो। तो ऐसे सावधान होके क्यों लेटे हो? नॉर्मली लेटो ना। रे क्या कर रही? सो जा। रे रे तुम कौन? जी मैं भंवर प्रताप सिंह। तुम यहाँ कैसे आया? कल अंधेरा हो गया था जी, ये छोरी को बड़ी ठंड लग रही थी तो मारे को थारा घर दिख गया जी। वो घर क्या दिखा जी, वो चाबी भी वहीं दिख गई मारे को। चिया पियोगे? वाह वाह, चिया भी आ गया। अच्छा तुम ये बताओ, तुम जंगल जंगल कहाँ भटक रहे हो? वो एक्चुअली भाई साहब क्या है ना कि मेरा बहुत मन था पहाड़ घूमने का, तो मैंने ही इनसे कहा, मेरी जिद थी कि मुझे भी घूमना है। अरे भाई कैसा बीवी है आपका? अरे दाई ऐसा ही बीवी है मारा। हुआ यो क्यों जिद करने लगी मारे से, मैंने पहाड़ देखने, जंगल देखने, बर्फ देखनी है, मैंने कहा चल पहाड़ चल। अब बीवी क्या कहते, किसी के चल ना सके आज तक? वही तो यार, कल मैंने इसे बोला था बाहर खाते हैं और इसने मना कर दिया। आज बनाएंगे बाखरा, आज मना नहीं करेगी ये। हाँ हाँ आज बना दूंगी। जाट भाई को मैं आज रक्सी पिलाऊंगा। तो चाय क्यों पी रहे हम, रात को रक्सी पियेंगे। जंग बहादुर के घर पे रह के मैंने जाना कि एक्चुअल में घर के होवे, परिवार के होवे। मन्ने मारे बाप के महल में वो सुकून कभी ना मिला जो जंग बहादुर के इस छोटे से घर में मिला। बड़े प्यारे बच्चे थे जी उसके, जिंदगी जीली थी मैंने उनके साथ, बड़े अच्छे दिन थे जी वो। Thank you.
के जो रास्ते अब दर्द है मांगते जख्मों के वास्ते पिज़्ज़ास एंड पाइज़। तने क्रेविंग हो रही। अगले मोड़ पे पिज़्ज़ा आता है। पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। शट अप यार। मजाक मत कर। शुरू किसने की थी? यार, तुझे पता है? I'm missing food and शोभा आंटी। सुबह उठते ही ना, मेरा फेवरेट बनाना शेक समर्स में और हॉट चॉकलेट विंटर्स में। इतना टेस्टी लगता था ना सुबह सुबह। और उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम पैनकेक्स एंड एंडिंग इट टू बारबेक्यू सिज़लर्स। भवर, यू कांट इवन इमेजिन। यू नो आई एम वेरी फूडी और इस वक्त मैं खाने को देख के रो सकती हूँ। थोड़ा डिल डॉल देख के लग गया है मैंने। भूख की छोरी है तू? भूख लगी है? रे तो पहले क्यों नहीं बोला? रुक जा, हाथ कर। ये ले, चने खा तू। What? Mister, you know what? ये चने मेरे डैड रूबी और बेला को खिलाते हैं। ये कौन है? थारे कजिन्स? Not my cousins, my horses. सुन छोरी मारी बात गौर से। यहाँ बेला मैं हूँ और तू है रूबी। But रूबी उसकी पोनी है और मैं काफी बड़ी हूँ। समझ गया, समझ गया।
चढ़ने की जरूरत ना है, थोड़ा दिमाग बढ़ेगा इससे। ये ले। ओ दमाम। अरे दमाम नहीं, बादाम क्या है इसे? बादाम। एक्चुअली मैं बचपन से दमाम को दमाम ही बोलती हूँ। पकड़ 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 उसको। ओह नो नो। आउट। शिट मैन शिट। बट लीव मी। रे क्या कर रहा? ये ठीक ना कर रहे तुम? कुछ ना। हाथ छोड़। कुछ ना। चिंता ना कर। लीव मी। शट अप। लीव मी। अर्धम अर्धम अर्धम। नो। पागेरा का जंचस। कुछ ना नहीं नहीं। चुप। रे क्या कर रहे? आउच। मैगिकल सेटअप माउंटेन अप माउंटेन अप अप माउंटेन। दिस पर्सन किडनैप पर्सन। अरे नहीं नहीं। अरे सेटअप। दिस पर्सन नो 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 नो। अरे मेरे कुल्ले की जरूरत ना है। अरे मैं खुद ही सामान उठा सकूं। अरे ये क्या कर रहा? रे रे नेपाली भाई। Are you mad? Sister, you say. No no no, I don't want apples. Actually, let me explain. Shut up, shut up, you magical, shut up. Daji talk, you no talk. Ow! रे नेपाली भाई, तुम्हारी मारी बात ना समझ रहा कर था। रे नहीं। अरे समझा ले से। Stop it. रे नहीं नहीं। रे। नहीं चलो साथ। चल। नहीं चल। चल भाई नहीं। चल। चल। Ouch. भाई नहीं। यो मेरे लगामा मोतेम ले क्यों नहीं दिन ना सिस्टर यू सर ये क्या है? चिलो रोटी। भैया थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। खा मैंने खा। ये भी खा, ये भी खा मैंने। सब खा मैंने। ओ डिंजा कुर्का। चालर दो तो कुकड़ साला। हजुर। नो 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 नो। पहले तो चिंता न कर, यो सुंगुला हमने ठीक ठाक पाली से तुम्हें खाना खाओ यो मार खान। नो 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 नो। एक्चुअली शट अप यू मैगिकल शट अप। दाजी टॉक you no talk. Shut up. You shut up. You shut up. You shut up. Keep quiet. Are you guys crazy? No. Actually, you are mad. Do you even realize what you're doing? Huh? He saved me. I was the one who ran away. I was fed up of my life. He gave me a chance to live again. And you guys are being so brutal to him. Come on, guys. Leave him.
Come on, guys. Come on, यार. दाई. हाँ. लड़की की बातों से लगता है इसने बहुत तिजार किया इसमें. रे नहीं क्या 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 कर रहा है? रे रे गलत कर रहे हैं नेपाली भाइयों. What is happening? अरे सावी कहाँ फंस गए यार? अरे प्लीज स्टॉप हिम ना. No, he's innocent. What are you doing? रे सुना हिंदी में समझा. I'm sorry. me sorry. Tai. पहिले तिम्रो कहानी सबै पताइस मलाई. Tai. अब तिमी छौ. Tai. तिम्रो बाबा हाम्रो बाबा सबैको बाबा. हम सबैको बाबा. हम सबैको बाबा. जाउ Tai. जाउ. यो इलाम म तिमीलाई क्या हुन दिन्न. Tai. यू शेर. जाउ. अच्छा जी. गड़े खाते धारी की तुम लोगों ने. हमारी जिंदगी भर याद रहेगी. पर कोई नहीं. अच्छा जी. अच्छा दाई. जाओ 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 तुम ही जाओ. अच्छा जी राम राम. बाय बाय. जीवन नामो छ सुख दुख आउन रहन छ गरिबको छ मिली कुइ छैन कुइ छैन. भवर एक सेकंड. आई मीन दिस इज सो ब्यूटीफुल यार. रे चलेगी अब. भवर एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा पत्थर कभी देखा ही नहीं है. आई मीन दिस इज सिमिलर टू एवरेस्ट. सुन मेरी बात. ये एकदम फालतू की बात है. सच में भवर. सच में आई स्वेयर टू गॉड यार मैंने इतना बड़ा पत्थर कभी नहीं देखा. पत्थर देख लिया. अभी आगे चलेंगे और बड़े पत्थर मिलेंगे. और आगे जाएंगे और बड़े पत्थर मिलेंगे. समझ रही है? चल अब. अरे सुनो तो सही भवर. सुनो. देखो मेरे दिमाग में एक प्लान है. जैसे माउंटेनर्स माउंटेन समिट करते हैं राइट. अब मैं कोई माउंटेनर तो हूं नहीं तो ऑब्वियसली मैं माउंटेन तो समिट कर नहीं सकती. मैं इस पत्थर को जरूर समिट कर सकती हूँ. वाह भवर मैं इस पत्थर को सबमिट करना चाहती हूँ. खो रहा है हर घड़ी.
महफूज थी तेरी बाहों में लिपटी मेरी खुशी शाम कई महफूज थी तेरी बाहों में लिपटी मेरी खुशी सावी। हाँ तुम्हारे ख्याल बेकार ही पड़ गई। मैंने आइडिया नहीं था इतनी जल्दी स्नोफॉल हो जाएगा। अब तो टेंट भी ना लगा सके हैं। एक्चुअली ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रे अच्छा तो लग रहा मगर ये घनी बर्फ में रुकेंगे कहाँ? टेंशन ना ले, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। रे रास्ता तो निकालना पड़ेगा, चल। अरे पैर जमा के रखियो। हाँ। सावी अंदर आने से पहले हमें कोई शेल्टर देखना होगा। बर्फ में से चलते रहेंगे तो मर जाएंगे। हाँ। तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, ढूंढते हैं शेल्टर। हमें एग्जैक्टली कहाँ जाना है? हमें सुमेरु पहाड़ का नाम है, इसके नीचे हमारा बाप दबा था। मतलब अभी काफी ऊपर है, राइट? अभी तो बहुत ऊपर है, चल। रे अंदर आ शेल्टर में, ये बढ़िया है, अंदर चल। क्या हो गया, ठंड लग रही? तभी तो कांप रही हूं। मैं क्या कर सकूं? कुछ नहीं, मेरे पास तो गर्म पानी की बोतल भी खत्म हो गई। ऐसे ही रहो, अच्छा लग रहा है। सावी ठंड ज्यादा हो रही है यार, ये बर्फ भी ना रुकने वाली अभी। हाँ तभी तो अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे रे, बर्फबारी हो रही बहुत ज्यादा, अरे ठंड लग जाएगी। नहीं लगेगी। थर से एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हारे बाप को क्यों ढूंढना चाहती है, क्यों तकलीफ दे रही है अपने आपको? मैं उस अजनबी को इसलिए ढूंढना चाहती हूँ क्योंकि वो अजनबी मेरे इस अजनबी के लिए बहुत कुछ है। तो मैं भी महाराज अजनबी को ऐसे ठंड में मरने नहीं दे सकता, तो बैठ यहाँ पे, लकड़ी लिख के आता हूं। ठीक है, टेंशन ना ले। हाँ
पगले ठंडे। तुझे एक जोक सुनाऊं? And in fact, it is the shortest story, you know. हाँ सुना सुना। A and B were traveling in the same compartment. A as B, have you ever seen a ghost? B disappeared. यह है सुमेरु पर्वत। एवलांच यहीं से आया था। ये पूरा एवलांच एरिया है, यहीं कहीं होगा हमारा बाप। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे फादर यहीं कहीं हैं? लास्ट लोकेशन लेटलों की यहीं पर थी, इस एरिया की। आज से पहले तो कोई ढूंढने आए नहीं हमारे बाप को, थोड़ा ढूंढने का तो मिल जाएगा, है ना? ढूंढेगी? एक काम कर, तू यो तरफ देख, मैं यो तरफ देखता हूं। इतनी सारी बर्फ में तेरे को कहाँ ढूंढूं बापू? वहां से एवलांच आया होगा यहां इस तरफ तक, होना तो यही कहीं चाहिए। बैग हमारा बाप भी यही होगा। Thank you.
सब जाना हित छोड़ चार दिना दी कोठड़ी सब जाना हित छोड़ फसा भवर में वो रह जागा फसा भवर में वो रह जागा जो तिर गया उसो मानस पोटड़ा हा माटी का माटी चारों ओर रे मानस पोटड़ा माटी का माटी चारों ओर माटी माटी में रड़ गई चढ़ा किसी का नजोर यारा सब नहीं जाना हाँ जग छोड़ मित्रा सब नहीं जाना जग छोड़ जिसने हथेली थाम के देख सावी बर्फ करने लगी हमारे बापू को गिरती हुई बर्फ बहुत पसंद थी चार लाकड़ी जोड़ के रे चार लाकड़ी जोड़ के उसी ने ही भूख आया यारा सब नहीं जाना जग छोड़ यारा सब नहीं जाना जग छो बड़े मालूम था बेटे कोई और आवे ना आवे बारा बेटा जरूर आवेगा और अपने बाप को इस दबी बर्फ से बाहर निकाल लेगा सालों हो गए थे बेटे बड़े इस बर्फ में तबे जानू हूं बेटे खड़ी बर्फ जमी थी बारे ऊपर कुछ तर सीने में भारी बर्फ का बोझ इतना ना था बेटे
जितना तू अपने सीने में लिए फिर रहा था, मारी मुक्ति का, बड़े मुखाकड़ी देने का। हाँ मेरे बेटे, हाँ मारे केल बेटे, तू खुश तो है ना बापू, तू खुश तो है ना बापू, दुनिया में सबसे ज्यादा मैं अकेला हो गया हूँ बापू, मैं अकेला हो गया हूँ, बिल्कुल अकेला हो गया बापू। तारी बड़ी याद आती है, तारी बड़ी याद आवे बापू, अकेला कहाँ है बेटे, छोरी अच्छी है जिसने तारा इतना साथ दिया, मारा के है मैं तो तारे साथ हूं ही बेटे, तारे भीतर बड़ा हो रहा हूं रोज। भवर मारा बापू था यहां पे भी, मैं तारे से एक बात करना चाहूं जो मैंने आज तक किसी से न कही, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे मैं बात कह सकता। थैंक यू बापू, बापू चले कहाँ? वापस अपने अपनी दुनिया में। मारे बापू को खोजना मारा मकसद था, वो तो पूरा हो लिया। तो वापस चलते हैं। हाँ एक्चुअली हाँ। ये राहें क्यों अपनी जुदा है, दूरी जो ये दरमियां है, खामोशियां है जो ठहरी, परछाइयां है जो गहरी, नजरें जो करती बयां, वो तू है, वो तू है, वो तू है।
ये पत्ते दरख्तों के साए मिले थे हम तुम जहां, चलो ढूंढे उन लम्हों को बिखरे थे कभी जो यहां हो। थोड़ा सा ही रह गया साहब। ओह आई नो, थोड़ा ही रह गया सन्ना पहाड़ में चढ़ने की हिम्मत देवे। नहीं साहब, वो देख हर्षिल बाजार। छोटी सी अपनी कहानी ना सुनेगा कोई यहाँ, ना हासिल है इस दास्ता का, भूल जाना अब तू से वो तू है वो तू है वो तू है। मंजिल बुला रही, मारा क्या काम है अब? अरे जाब सावी, आना यार, where are you? Come here. Yes, yes. It was nice meeting you, Mr. भवर प्रताप सिंह। ठहर जा अभी बस ये दो पल, हर जो भी ये पल है हसीन, जरा आसमां से ये पूछो खलती किसकी है उसको कमी, वो तू है वो तू है वो तू है। Where are you, baby? Come here, baby, come here, come here, my baby. अरे तू खुद जी की मारे बाप को हमारे साथ बावड़ी पूछ, कहीं थारे को हमारे से प्यार तो नहीं हो रहा? हो भी सकता है, और अगर हो भी गया तो कभी बोलूंगी नहीं। रोमी स्टॉप द कार। अरे थारी समझ में ना आ रहा, गाड़ी रोक बावड़ी पूछ।
रे बावली तो फिर आली। तू मन्ने यो बता कि तू यहाँ बैठा क्यों है? थारा तो फियोन से आली है गाड़ी लेके, मारे लिए कौन सी गाड़ी है यहाँ पे? पहाड़ों में गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी कम रह हुए हैं, गाड़ी आओगी तो जाऊंगा। भंवर प्रताप सिंह, तूने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे मैं कौन हूं रोकने वाला? प्यार करे हमारे से? मेरी औकात नहीं है। थप्पड़ मारूंगी तेरे खिंचा के। योले थारे दमाम, इसकी जरूरत ना थारे को है, मारे को नहीं। खा और अपनी बुद्धि का विकास कर, समझा? जा रही हूं मैं। My God, Savi, I was so scared. Let me tell you this. मैं तो इतना डर गई थी, रोमी ने मुझे सब कुछ बताया, है ना बेटा? A lot of things. पर तुम बताओ ना, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा बेटा? कभी कभी जो हम सोचते हैं ना, वैसा कुछ होता नहीं है हमारी जिंदगी में। लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। अब मुझे ही देख लो, वहाँ उन पहाड़ों में उस बर्फ के बीच मैं कभी नहीं हो सकती थी। वाओ, पहाड़ों में जाकर पोएट्री करने लगी है। रोस्तम, अब हमें इनकी शादी को ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। आई एग्री। ऑफ कोर्स, यस। लेट्स बिगिन विद अ नाइस बिग फैट पंजाबी वेडिंग, हैं? सावी, सावी 6 महीने हो गए हैं यार। When will we get married यार? अभी 6 महीने और जाने दो। रे सावी, देख थारे जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हूं मैं। रे सोच मत, आजा। There's a surprise for you. Guess what? क्या? हमारी वेडिंग का सैंपल कार्ड आ गया है। कैसा है? अच्छा है। बट रोमी, थोड़ा टाइम और। कितना? I don't know. तक में मेरा मन नहीं लगता अब। उसके साथ पहाड़ों में ठीक था, पर के मालूम अब तो मारे को भूल भी गई होगी वो, मेरी याद के निशान भी मिटा दिए होंगे।
आई टेल यू सावी, यू विल लव कला मंदिर ज्वेलर्स, इट्स ब्यूटिफुल, यू विल लव इट। नमस्ते जी। नमस्कार, वेलकम मैम, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए बैठिए। कला मंदिर ज्वेलर्स सावी, द बेस्ट ज्वेलर्स इन सूरत, मैं तो हमेशा यहीं से खरीदती हूँ। रोमी, आई एम श्योर सावी इज गोइंग टू लव ऑल द ज्वेलरी। यस मैम। देखिए, ये मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ है जी, तो इन्हें बेस्ट से बेस्ट चीज दिखाइए। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन पहले जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कला मंदिर की सबसे लेटेस्ट डिजाइन है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, दिखाइए। श्योर मैम, वो वाला निकालिए। बढ़िया, देखिए मैम। ओ ब्यूटिफुल है ना सावी, देखो कितना अच्छा। ओ ये दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, आई लव दिस, कुछ चोकर स्टाइल में भी दिखाइए। श्योर मैम। दिस इज ऑल्सो नाइस है ना सावी। Yeah. और ये वाला देखिए मैम। Yes, this one. बहुत अच्छा। ये तो सावी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। जी जी। इसकी गर्दन लंबी है ना, इसलिए बहुत सुंदर लगेगा। हाँ माँ। I want this one. आप एक काम कीजिए, ये सारे पैक कर दीजिए। ओके मैम। समायरा, बहुत ज्यादा नहीं कर दिया आपने। अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए चलिए। सावी, यू लव इट ना बेटा। पहाड़ ही अच्छे थे, हम तो जा रहे जी पहाड़, तू आ रहा तो आ ले। डैड, आपने मेरे लिए ये इतना बड़ा पिंजरा बनाया तो सही, पर कभी ये नहीं सोचा कि मैं तो एक छोटा सा घोंसला चाहती थी, और अब आप अपनी इस चिड़िया को एक बड़े पिंजरे से दूसरे बड़े पिंजरे में शिफ्ट करना चाहते हैं। वो कोई पिंजरा नहीं है, तुम्हारी और रोमी की शादी से मैं इस पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहता हूँ। इस बिजनेस पार्टनरशिप को, राइट? शोभा आंटी। हाँ बेटा। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आपको मेरी याद आएगी क्या? बाबा, जब आप पहले गई थी तो मुझे आपकी बहुत याद आई थी। आप कहीं जा रही हो क्या? रोमी, मैं वापस नहीं आऊंगी अब। अब वहीं रहूंगा जहां हमारे को हमारी जिंदगी मिली, जहां हमारे को हमारी जिंदगी से प्यार हो गया, रे पहाड़ों में। पेंटिंग लगता है कोई पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है। सो फाइनली मेरी बेटी अब शादी के लिए रेडी हो रही है, अब तो तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। देखें तो जरा बेटी ने क्या पेंट किया है।
डैड, मैं अब नहीं रुक पाऊंगी। आप प्लीज मुझे रोकना मत। वो वहां पहाड़ों में मेरा इंतजार कर रहा है। मैं जानती हूँ डैड, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम लीविंग डैड, आई एम लीविंग। सब कुछ छोड़ के मैं भाग लिया अपने भंवर के पास, क्योंकि मैं जानती थी, मारा मन जानता था कि मारा भंवर इन्हीं पहाड़ों में होगा, मारा इंतजार कर रहा होगा। तुम अने कह रही थी ना कि मारी लैंग्वेज तो लगती ना है पहाड़ों की, प्यार सब बदल दे वे छोरी। देख मैं कैसे बदल ली, यो प्यार है थारी समझ के बाहर है। मीलों तक नाप के भटके जो रास्ते, अब दर्द है मांगते जख्मों के वास्ते। सपनों की राह में रहते हम साथ हैं, सच्चे जज्बात हैं, चल बुनते ख्वाब हैं, सपनों की राह में रहते हम साथ हैं। चलेंगे हम साथ में उजालों की आस में, चलेंगे हम साथ में उजालों की आस में। चल मनमानियों को आजमाए, भटके जो रास्ते, अब दर्द है मांगते जख्मों के वास्ते। मैं मारे भंवर से मिली, बस तब से मैं और भंवर यहीं के हो लिए। सारी कहानी तो सुन ली हमने, बट वेयर इज भंवर? प्रताप सिंह, एक्चुअली इट्स एन ऑनर, व्हाट अ लव स्टोरी।
and what a creation. I'm a columnist at Garhwal Post and soon I'm gonna write an article about you too. Title hoga Lifeline. I'll send you a copy. Do read, okay? Thank you for letting us stay here. Bye bye. Bye. Chalenge hum saath mein ujalon ki aas mein. Chalenge hum saath mein ujalon ki aas mein. Chal manmaniyon ko aazmaaye. ढूंढे उन लम्हों को, बिखरे थे